चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 24 एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स आज उसी मोड पर खड़े हैं जिस मोड पर वो 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद खड़े थे, यानी कि उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। उनकी एक उम्मीद की किरण जागी थी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, काफी सारे हाई कोर्ट्स में भी याचिका लगी थी, तो उनको एक ऐसा राहत मिली थी, एक ऐसी राहत मिली थी जिसे उनको ऐसा लगा था कि अब कुछ ना कुछ तो होगा, स्टूडेंट को न्याय मिलेगा इसमें। लेकिन आज वो उसी मोड़ पर है। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो समस्या ये है कि रैंक का एकदम से इंक्रीमेंट होना, और वो भी कई गुना। जब इतनी गुना में इतनी सारी रैंक इंक्रीमेंट हो गई तो उसके सिलेक्शन के चांस ही खत्म हो गए, यानी कि हाई कट ऑफ रहेगी, और हाई कट ऑफ में जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो इतने दिन तक खुश हो रहे थे कि हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, पिछले साल इस रैंक पर ये कॉलेज मिला था तो हमें ये मिल जाएगा, वो उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। और इस रैंक का जो इस बार इंक्रीमेंट हुआ है उसका मेन कारण पेपर लीक है। अभी जो ये 1563 स्टूडेंट है इनसे तो इन स्टूडेंट्स को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको ये बता देता हूं कि कितना फर्क पड़ सकता है इसमें, ये मेरा एक आइडिया है, और ये जो आइडिया है ये कन्फर्म सा ही है एक तरह से, क्योंकि कन्फर्म मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इससे थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे कि मान लो हम यहां लेते हैं, इसमें एक मैं बताऊं आपको कितना फर्क पड़ सकता है इसमें, कि अगर ये दोबारा एग्जाम हो जाता है तो 1563 कैंडिडेट का एग्जाम होगा। इन 1563 कैंडिडेट का जब एग्जाम होगा, इसमें कुछ तो चूज करेंगे, कुछ एग्जाम देंगे नहीं, कुछ एग्जाम देंगे, तो इनमें 1563 कैंडिडेट्स में एनटीए के अकॉर्डिंग, एनटीए जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें 795 कैंडिडेट्स ने ही क्वालिफाइंग किया है। ओनली 795 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग कर पाए हैं, तो हो सकता है जब रीनीट होगा तो वो इतने ही कैंडिडेट क्वालिफाइंग कर पाए। इनमें से 800 कैंडिडेट हो सकते हैं क्वालिफाइंग करने वाले, 800 कैंडिडेट भी अगर क्वालिफाइंग करेंगे इसमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोबारा एग्जाम देते हैं तो मान लेते हैं यहाँ 720 के 6 कैंडिडेट्स आए थे यहाँ पर जिनको ग्रेस मार्क्स दिया था, ये 6 कैंडिडेट कम हो जाएंगे अगर इनमें कोई 720 नहीं लाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके मार्क्स पहले ही कम थे, 720 अगर नहीं लाता है इनमें कोई कैंडिडेट तो ये रैंक 61 आ जाएगी। अगर इसमें 20 कैंडिडेट्स है, मान लो ये 20 कैंडिडेट्स है, तो 20 कैंडिडेट्स हैं तो 715 पर पहले रैंक आ रही थी 280, तो 260 आ जाएगी। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आगे आगे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 710 पर 35 रैंक डाउन जा सकती है ये नया रिजल्ट आने के बाद में, तो 35 रैंक डाउन जा सकती है, तो ये 510 है इसमें आप ये 470 तक चली जाएगी, 475 तक चली जाएगी, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इतना 690 पर मान रहे हैं कि 100 रैंक डाउन चली जाएगी, फिर भी ऑलरेडी 4410 रैंक है, 100 डाउन चली जाएगी तो 4300 तक रह जाएगी। यहाँ 670 पर माने तो 125 रैंक डाउन जा सकती है, तो भी इसमें यहाँ 15,000 रैंक है, उसमें अगर 125 रैंक डाउन भी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है इसमें। बाकी ये जो रैंक मैंने दिया है ये लास्ट रैंक नहीं है, ये स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर रैंक है, इससे ज्यादा भी रैंक है और कम भी रैंक है। हमने तो एक स्टूडेंट की रैंक उठाई है, एक एक मार्क्स पर 1000-1000 रैंक का भी फर्क पड़ रहा है यहाँ पर इस रैंक पर। अगर देखें 655 पर 150 रैंक डाउन जा सकती है, तो इसमें तो 25,500 25,700 तक ये 655 पर रैंक है, तो इसमें 150 रैंक डाउन चली जाएगी, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 650 पर 250 रैंक डाउन जा सकती है, यहाँ ऑलरेडी 27,500 रैंक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 640 पर देखिए, यहाँ तो 300 रैंक डाउन जा सकती है, तो यहाँ 38,000 पर 300 रैंक डाउन जाना कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ 400 रैंक डाउन जा सकती है 630 पर, तो 48,600 तो पहले ही ये रैंक है, और 500 रैंक डाउन जा सकती है 600 पर, तो ऑलरेडी 80,000 से भी 80,500 तक है, तो 500 चली जाएगी, फिर भी 80,000 ही बच जाएगी। यहाँ 600 रैंक डाउन जा सकती है 548 पर, तो यहाँ तो ऑलरेडी 548 पर 291,000 रैंक है, उसमें 600 रैंक डाउन भी चली जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा।
250 पर 800 रैंक डाउन जा सकती है, 900 रैंक भी डाउन चली जाएगी तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 7,74,560 यहाँ रैंक है, तो इस पे 800 हजार रैंक चली भी जाती है तो डाउन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, आपने पहले भी आइडिया लगाया होगा कि 563 स्टूडेंट का दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने से स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 30 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें वही हमें लमसम रैंक देखने को मिलेगी जो हमारे पहले थी, उसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली मतलब नए के बराबर उसमें रैंक डाउन होगी हमारी, 100-200 रैंक, 500 रैंक तक डाउन हो जाएगी, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इन 1563 बच्चों को भी बेचारों को न्याय नहीं मिला, इनकी क्या गलती है, पहले तो इनको एग्जाम में टाइम कम दिया गया, मान लो किसी स्टूडेंट को टाइम नहीं भी दिया गया, कम नहीं दिया गया, पूरा भी टाइम दिया गया है, तो इसमें तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टाइम कम दिया गया, इनका अब दोबारा एग्जाम होगा, इनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो रहेगा नहीं, वो स्ट्रेंथ रहती नहीं है स्टूडेंट की, तो इन बेचारों की क्या गलती है। अगर इनका एग्जाम ही लेना था तो एनटीए को दूसरे या तीसरे दिन जब उसके नॉलेज में आया तभी एग्जाम ले लेना था, ताकि इन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी थी। उन स्टूडेंट की क्या गलती है जिनका एग्जाम दोबारा नहीं हो रहा है, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है, उनका टाइम लैप्स हुआ है, उनकी और दिक्कत है, तो उन स्टूडेंट के साथ में क्या गलती है, उनके साथ भी तो न्याय नहीं हुआ, ये तो कोर्ट में चले गए तब उनका री एग्जाम तो हो रहा है, वो तो ऐसे स्टूडेंट बेचारे जो कोर्ट में भी नहीं जा पाए, कोर्ट का दरवाजा भी नहीं जानते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ में सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ा अन्याय तो सारे 23,33,000 स्टूडेंट के साथ में हुआ है कि इतनी सारी रैंक का उनको सामना करना पड़ रहा है, जो स्टूडेंट पहले रिजल्ट आने के बाद में इतने ज्यादा दिक्कत में आ गए, इतनी ज्यादा परेशानी में आ गए, वो रिजल्ट आने से पहले ये सोच रहे थे कि मेरे तो 620 मार्क्स आ गए, मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगी, पिछले साल इस रैंक पर ये कॉलेज मिली थी, उन स्टूडेंट की क्या गलती है 23,33,000 स्टूडेंट को अभी न्याय नहीं मिल रहा है। और ये 2024 में इस प्रकार के जो मैटर हैं वो पहली बार देखने को मिल रहे हैं, हालांकि स्लाइटली पहले भी एनटीए द्वारा ये गड़बड़ियां एनटीए करते आ रहा है, स्टूडेंट को दबाता जा रहा है, वो हर साल ऐसे केस भी होते हैं, लेकिन इस बार का 2024 का तो ये जो केस है वो इस प्रकार का एनटीए ने स्टूडेंट के साथ में न्याय नहीं किया है, ये अलग ही मैटर हो गया है। 2024 का सबसे बड़ा मैटर है पेपर लीक होना। पेपर लीक हुआ तो वो किसकी निगरानी में हुआ, किसकी जिम्मेवारी है पेपर को सही सलामत सेंटर पर पहुंचाने की, वो जिम्मेवारी तो एनटीए की है। एनटीए की है जब पेपर कॉन्फिडेंशियल प्रेस से जब पेपर प्रिंट होता है उसके बाद में सील बंद वो बॉक्सेज में बैंक में पहुंचा जाता है, बैंक से डायरेक्ट सेंटर पर पहुंचा जाता है, तो इसमें लीक होने वाला कहां मैटर है, लीक कौन कर सकता है, इसमें कोई दूसरा आदमी तो लीक करेगा नहीं, ये तो निगरानी तो एनटीए की है ना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एनटीए की है, तो इसको हम बिल्कुल मान सकते हैं कि तो ये तो एनटीए ने लीक किया है, क्योंकि पेपर था किसके पास, पेपर तो एनटीए के पास था और एनटीए ने ही पेपर को लीक करवाया है, इसका मतलब तो यही निकल रहा है, हम इसको साफ तौर पर ये देख रहे हैं, क्योंकि एनटीए की निगरानी में ही ये सिक्योरिटी प्रेस में जाता है, वहां पेपर छपता है, उसकी निगरानी में ही बॉक्सेस सील होते हैं और पटना पुलिस ने ऑलरेडी ये मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें पेपर पहले ही दे दिया गया, पहले रोज जब पेपर आ गया तो वो किसके यहाँ से आया, वो एनटीए के यहाँ से ही तो निकला है वो पेपर, बाकी निकलेगा कहां से, था तो एनटीए के पास ना, एनटीए ने ही तो वो पेपर लीक करवाया है, जिम्मेवारी तो एनटीए की ही थी। तो एनटीए आज इसके बारे में जब इन्होंने देखा, एनटीए ने कि 1563 स्टूडेंट के बारे में उन्होंने रिया एग्जाम के लिए कहा था, उन स्टूडेंट का भी रिया एग्जाम करवा लेता जिनके एक्चुअल में टाइम लॉस हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट का लॉस हुआ है, उनका भी तो रिया एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए था बेचारों का, उनकी क्या गलती है यहां? ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट है, तकरीबन लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ में अन्याय हुआ है। तो ये अभी तकरीबन मेरे हिसाब से इस साल के लिए ये डिसीजन आ गया है, मैंने जो पहले प्रीवियस ईयर में देखा है, मैं आपको अपने वक्तव्य बताता हूँ कि देखो री नीट की पॉसिबिलिटी मेरे को अभी लग नहीं रही है, जो उम्मीद थी वो यहाँ खत्म हो चुकी है, री नीट की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है क्योंकि टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, टाइम काफ़ी हो गया है और नेक्स्ट हियरिंग भी 8 जुलाई को है, तो उसके बाद भी अगर मैटर ये पकड़ में आता है तो इतने सारे कैंडिडेट्स की री नीट करवाना, ये एनटीए जब अभी नहीं मान रहा है तो ये बाद में मानेगा नहीं, मेरा जहां तक आइडिया है और जो मैंने एनटीए के केसेस पहले भी देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूं कि अभी रीनीट होना मुश्किल है, अभी जो होना है वो यही होएगा,
कि इन 1563 कैंडिडेट की एग्जाम फिर से कंडक्ट करवा ली जाएगी, और उसके बाद में इन 1563 कैंडिडेट की एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद में जुलाई फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सेकंड वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे को लग नहीं रहा है कि इसके बारे में अभी कुछ होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस आशा में अभी भी बैठ रहे हैं, अभी भी आगे ये सोच रहे हैं कि रीनीट हो सकता है, तो मेरे को लग नहीं रहा है। हालांकि मैं आपकी उम्मीद तोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये सच है, उनको अपने स्टडी में लग जाना चाहिए। हालांकि इतना हो गया है कि एनटीए पर इस बार इतना प्रेशर आ चुका है कि वो अगली बार इस प्रकार की गलती तो नहीं करेगा, क्योंकि इस बार इतनी साख खराब हो चुकी है उसकी कि अगली बार ये गलती करने से पहले वो सोचेगा, पेपर आउट करवाने से पहले भी वो सोचेगा, और इस प्रकार के जो अग्रेस मार्क्स वाले डिसीजन है, इस प्रकार के डिसीजन लेने से पहले भी वो सोचेगा। तो मैं मानता हूँ कि 2025 में अभी स्टूडेंट को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी स्टूडेंट इस डिसीजन को और उनको देख के डर चुके हैं अभी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए अगली बार ऐसा नहीं कर सकता, अगर अगली बार भी ऐसा करेगा तो फिर वो सुर्खियों में आ जाएगा। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग कि भाई रीनीट होना नहीं है और इससे स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आपको अपना एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लें, आपको काउंसलिंग करवा के कहीं एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन लें। तो ये मेरे अकॉर्डिंग था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कॉमेंट्स लिख सकते हैं मेरे को, और आगे जो अपडेट रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।